सभी को नमस्कार। यदि आप भी एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके मन में जितने भी कन्फ्यूज़न एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 को लेकर चल रहे हैं, सभी का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, यदि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस वीडियो में हम देंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए, सबसे पहले अपन इसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में कब होने वाला है। तो ये जो डेट है साथियों, ये बिल्कुल एकदम सही है। एम्स की साइट पे ये डिस्प्ले हो रही हैं। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोर्स के लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है साथियों, वो 6 जुलाई को होने वाला है। हालाँकि ये डेट टेंडेटिव है। हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 ईयर का, वो ये बोलता है कि एग्ज़ाम आपका जून में ही हो जाता है। तो हमें लग रहा है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। जून को टारगेट मानिए, फिर जुलाई के पहले वीक में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। अब चलिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चंस होता है, एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया इस बार कि क्या मेल कैंडिडेट भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकेंगे 2024 से, क्योंकि एक नर्सिंग एसोसिएशन है जिसने कोर्ट में एक रिट लगा रखी है, उन्होंने एक केस फाइल कर रखा है एम्स के ख़िलाफ़, आईएनसी के ख़िलाफ़ जो अपनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और जो अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये सभी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, केवल फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको ही बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। तो देखिए, इस मामले में जो अपनी सुनवाई थी वो नवम्बर में हुई थी, उसके बाद नवंबर में जब हियरिंग थी तो उन्होंने सभी को, एम्स को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। तो अभी मेल कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, या इस बात पे ये डिपेंड करने वाला है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है जो कि अपनी 19 फरवरी को है, उसमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है। दो पॉसिबिलिटियाँ यहाँ पर, एक तो ये है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, दूसरा ये हो सकता है कोर्ट ये बोलेगा कि यदि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद देखेंगे कि उनसे एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। तो हमें यही लग रहा है और यही होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी के मन में ये क्वेश्चन चलते हैं, क्या जो एमसीएज हैं बीएससी नर्सिंग की, कितनी टोटल सीट हैं सभी एमसीएज में, इसके अलावा टोटल कितने एम्स हैं जहां पर बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस करने के बारे में विचार किया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 2023 में जो पिछला एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 16 एम्स ने पार्टिसिपेशन किया था। आप सभी के सामने लिस्ट है, दिल्ली है, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, आपका इसमें जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी है, इसके अलावा पटना, रायपुर, ऋषिकेश है। दो और थे इसके अंदर, रायबरेली और बीबी नगर, दोनों ही एम्स को इंक्लूड किया गया था। तो टोटल 14 की जगह 16 एम्स हो गए थे, और जो टोटल सीट थी वो साथियों आपकी 966 ना होके 1046 हो गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, टोटल सीट अगर सभी एमसीएज की अगर बात करते हैं तो 8%, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 जनवरी को, तो एम्स में टोटल सीटें 1046 हैं, 1046 सीट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 24 के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी के वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, तो टोटल जो एम्स हैं वो 16 हैं, टोटल 22 एम्स हैं, लेकिन उन 22 एम्स में से हैं केवल 16 एम्स हैं जो केवल बीएससी नर्सिंग कोर्स करवा रहे हैं। 2024 में दो नए एम्स और इसमें जुड़ने वाले हैं, वो अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आ चुका है कितनी सीटें हैं और कितने एम्स यहाँ पर हैं। तो वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि डिटेल सभी को पता चले, क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं उनके मन में ये
बहुत से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या फीस लगती है, कितनी सीट होती हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 24 देने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो अभी तक 8% में केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट अभी अपनी जो इच्छाएं हैं वो रखें, मे बी कि 19 फरवरी को जब कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद ही कुछ पता चले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं जो 12th पास आउट हैं। इसके अलावा वे कैंडिडेट भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकती हैं जिनका मार्च या अप्रैल 24 में रिजल्ट आ सकता है। जो कैंडिडेट अपीयर हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई फीमेल कैंडिडेट 12th क्लास में अपीयर है, अभी उसने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, लेकिन उसके एग्ज़ाम देने के बाद अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है 13th of June 2024 तक, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जब आप पास आउट कर लेंगी तो उसका आपको जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिखाना होगा। आपकी जो एज है वो बता दें कि 17 ईयर कम्प्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी एज 31 दिसंबर 2024 तक, हम एंड की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2024 तक यदि आप 17 साल की हो जाती हैं तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी के मन में क्वेश्चन होता है कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देंगे, हम सेलेक्ट भी हो जाएंगे या हो जाएंगी, लेकिन क्या हमें रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा। तो ये आपको बता दें कि एम्स की सीधी और स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट होंगी बीएससी नर्सिंग कोर्स में, उन सभी को हॉस्टल लेना कंपलसरी है। आप ये नहीं बोल सकती हैं कि हम बाहर रूम रेंट पे ले लेंगे या हम कहीं अपनी मौसी या मामा के पास रह जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, ये कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपके मन में सेकंड क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो ऑल ओवर इंडिया में होता है। गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, इसके अलावा कोलकाता में भी इनके एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। दिल्ली एनसीआर में इसके सेंटर आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हर जो साल है वो एक या दो नया जो सेंटर है वो ऐड होता रहता है, तो वन और मोर सेंटर आर आल्सो एडेड, लेकिन अभी के लिए यही सेंटर हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि एम्स बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को स्टाइपेंड देता है क्या, और देता है तो कितना देता है। तो देखिए साथियों, जब पहले बीएससी नर्सिंग हुआ करती थी 2014-15 की बात करेंगे, अपन 20 तक की भी बात कर लेते हैं, तो केवल और केवल बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट को 500 रुपीज़ मिलते थे पर मंथ, जो कि बहुत कम थे, इसमें कुछ नहीं होता। हालांकि ये जो 500 रुपीज़ हैं वो आपको पहले साल से ही मिलते थे, और जब तक आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं होता था तब तक मिलते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एम्स को ये बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स हम कुछ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम जो ये स्टाइपेंड अब देंगे वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप देने वाले हैं। क्योंकि 6 महीने की जो आपकी इंटर्नशिप होती है, आप जिस भी एम्स में जाके बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहेंगे या आपका जिसमें भी सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर आपको 6 महीने इंटर्नशिप में रखते हैं। उस टाइम आपका जो रुपीज़ है वो 13,150 मिलेगा, 13,150 रुपया आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा स्टाइपेंड है, इसमें आपके अच्छे खासे जो खर्चे हैं वो निकल सकते हैं, आप सेविंग भी कर सकती हैं, सेविंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, हमारा यही मानना रहता है। इसके अलावा आपको पता चल गया है कि स्टाइपेंड केवल आपको 13,150 रुपये मिलेंगे, लेकिन केवल और केवल इंटर्नशिप के टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि एडमिशन हो गया तो आज से ही लो 13,000 रुपये अपने तो आने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, यदि मान लीजिए किसी भी फीमेल कैंडिडेट का बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है,
लेकिन उनका मन करता है कि नहीं अभी मेरे को बीएससी नर्सिंग नहीं करना है, दूसरा कोई कोर्स करना है। और या फिर मान लीजिए कोई भी फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कोर्स बीच में ही लीव करना पड़े या फिर बीच में ही आपको डिसकंटिन्यू करना पड़े अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो क्या फ़ाइन लगता है, क्या कोई पेनल्टी लगती है? तो बिल्कुल आपको बता दें, ऐसे मामलों में पेनल्टी लगती है जो कि 5,000 रुपीज़ है। 5,000 रुपये आपको पेनल्टी देनी होती है, आप जमा कीजिए और आप कोर्स को लीव कर सकती हैं किसी भी टाइम। चलिए अब नेक्स्ट है आपके मन में क्वेश्चन कि सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 30-30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 आवर का आपका पेपर होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि माइनस मार्किंग यहाँ पर 1/3 रखी गई है। यदि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। सही क्वेश्चन करने पर 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन मतलब रॉन्ग आंसर करने पर आपका 1/3 जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से आपको अपने क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करने की फ़ीस कितनी लगती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। तो देखिए आपको बता दें कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपको 600 रुपीज़ हैं वो आपको देने पड़ते हैं, मतलब जो 600 रुपीज़ हैं वो आपको देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो 25 रुपीज़ है आपकी। पोर्ट मनी है वो बीएससी नर्सिंग के लिए 960 है। इसके अलावा जो हॉस्टल सिक्योरिटी है 1000 आपको देने पड़ते हैं, वो रिफंडेबल है। इसके अलावा जो रेंट है जो बीएससी नर्सिंग के लिए लगता है वो 480 रुपीज़ है। मेंस का जो भी आपको चार्ज है वो पर मंथ आपको एडवांस में देना पड़ता है, जो कि मे बी की समथिंग इतना ही है, 100 के आसपास है। 500 से 700 रुपये आपके लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें 1 ईयर में, तो आप 2 से लेके 2.5K में आप अपनी 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। 2 से 2,500 रुपये आपका पूरा खर्चा आता है एम्स से यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रही हैं, तो इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। इसके अंदर भी जो आपके रिफंडेबल हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। आशा करते हैं कि आपको सारी डिटेल समझ में आई हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं रहा है। अगर कुछ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए। धन्यवाद।